वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में सभी ज्वलंत विषयों पर चर्चा स्वाभाविक ही नहीं आवश्यक भी है, लेकिन मुश्किल यह है कि चर्चा के नाम पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही अधिक होती है। इसके संकेत भी कांग्रेस के नेताओं के इन बयानों से मिल रहे हैं कि वे दिल्ली के दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को घेरेंगे। इस सिलसिले में लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह आरोप भी लगा डाला कि उनकी समझ से दिल्ली पुलिस और हिंसक तत्वों के बीच कोई सांठगांठ थी। क्या वह यह कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार ने तब स्वयं की छवि बिगाड़ने वाले काम किए जब अमेरिकी राष्ट्रपति नई दिल्ली में थे और इस कारण दुनिया की निगाहें भारत की ओर थीं? इससे इनकार नहीं कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम सही तरह से नहीं किया और सरकार भी स्थितियों को सही ढंग से भांप नहीं सकी, लेकिन भयावह दंगों का आरोप उस पर मढ़ना क्षुद्र राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। वस्तुतः दिल्ली का माहौल बिगाड़ने में एक बड़ी भूमिका इस क्षुद्र राजनीति की भी है। कोई भी इसकी अनदेखी नहीं कर सकता और न ही करनी चाहिए कि संसद से बाहर नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विपक्षी दलों ने किस तरह न केवल जमकर दुष्प्रचार किया बल्कि लोगों को भड़काने में कोई कसर नहीं उठा रखी। कांग्रेस उन राजनीतिक दलों में सबसे आगे रही जिन्होंने शाहीन बाग सरीखे धरने को बढ़ चढ़कर अपना समर्थन प्रदान किया। यह एक सच्चाई है कि दिल्ली के माहौल को खराब करने में एक बड़ी भूमिका शाहीन बाग के जमावड़े की भी है। करीब 80 दिन बीत जाने के बावजूद यह धरना जारी है। इसी के साथ उसके समर्थन और विरोध में बयानों का सिलसिला भी कायम है। निश्चित रूप से इस धरने के समर्थन और विरोध में दिए गए भड़काऊ बयानों ने माहौल को दूषित करने का काम किया, लेकिन असली गुनहगार तो वे हैं जिन्होंने यह स्थापित करने की चेष्टा की और अभी भी कर रहे हैं कि नागरिकता संशोधन कानून भारत के मुसलमानों के खिलाफ है। यह कोरा झूठ इसके बावजूद फैलाया जा रहा है कि इस कानून का किसी भारतीय नागरिक से कोई लेना देना नहीं। यदि हमारे राजनीतिक दल गंभीर मुद्दों पर सचमुच चर्चा करना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम संसद के भीतर विभाजनकारी और वैमनस्य फैलाने वाली राजनीति करने से बाज आना चाहिए। बेहतर हो कि हमारे राजनीतिक दल यह स्मरण रखें कि संसद का
काम देश को दिशा दिखाना है और यह काम वैसे राजनीतिक विमर्श से कदापि नहीं हो सकता जैसा कि इन दिनों देखने को मिल रहा है। पंजाब के लुधियाना के ग्यासपुरा में गत दिवस रेलवे फाटक पर हुआ हादसा उन लोगों के लिए एक सबक है जो अपने जीवन की कीमत नहीं समझते। यहाँ फाटक बंद होने पर भी लोग उसके नीचे से रेलवे ट्रैक पार करने की जल्दबाजी में शताब्दी एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इस घटना में दो लोगों को जान गंवानी पड़ी जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। इससे पहले भी पंजाब में रेलवे फाटक पर कई हादसे हो चुके हैं। पहले जब मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग होते थे तब यह मानने के कारण थे कि इसमें व्यवस्था का दोष है, लेकिन अब अधिकांश रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक लगा दिए गए हैं। हालांकि फाटक बंद होने के बावजूद उसके नीचे से निकलने वाले लोग बेहद आसानी से कहीं भी देखे जा सकते हैं। ऐसे लोग किसी प्रकार की अनहोनी के लिए खुद ही अधिक जिम्मेदार होते हैं। आखिर दो चार मिनट की देरी क्या जीवन से ज़्यादा अनमोल है? कहा भी जाता है कि दुर्घटना से देरी भली होती है, लोगों के साथ साथ जीआरपी भी इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेदार है। अक्सर लोग फाटकों के नीचे से निकल रहे होते हैं लेकिन उन्हें रोकने और दंडित करने के मामले शायद ही कभी सामने आते हैं, जबकि जल्दबाजी में रेलवे फाटक के नीचे से निकलना दंडनीय अपराध है। न सिर्फ रेलवे ट्रैक को अनुचित तरीके से पार करना अपितु इस पर अनावश्यक रूप से खड़ा होना चलना भी उचित नहीं है। विगत वर्ष अमृतसर में दशहरे पर यही गलती तो भारी पड़ी थी। यहाँ बहुत से लोग रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर रावण दहन देख रहे थे और ट्रेन की चपेट में आ गए। यही नहीं, रेलवे प्लेटफार्म पर भी अक्सर लोग अपनी जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर एक प्लेटफार्म से दूसरे पर जाते हुए देखे जा सकते हैं। ऐसा करने वालों के खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई कर सकती है। सरकार दंड के प्रावधान और कड़े कर सकती है, लेकिन यदि लोग स्वयं जाग जाएं तो ऐसा कुछ भी करने की आवश्यकता ही है ही नहीं। स्टॉप।